जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से बाज़ार में आज बिल्कुल भी कोई भी ट्रेंड हमें देखने को नहीं मिला। पूरे दिन एक छोटी सी ही रेंज में बाज़ार को रखा गया एंड देन एंड में हल्की फुल्की सेलिंग के साथ जो है वो बाज़ार बंद हुआ है। तो क्या प्राइस एक्शन जो है इस वक्त बाज़ार में बन रहा है, इंडिया विक्स जो 11 के आसपास है उसे किस तरीके से अपन ट्रेड कर सकते हैं, क्या ऑप्शन बायर्स को अभी ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और यूएस में कौन से बड़े इवेंट हमें आज के दिन देखने को मिल सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 4000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की, तो इसमें एक चीज़ हमें क्लियर दिखाई दे रही है कि यूएस मार्केट की वजह से हम लोग ऊपर तो ओपन हो जाते हैं, बट वो जो थ्रस्ट अपने को चाहिए, एक स्विंग चाहिए फास्ट, वो अपने को नहीं मिल पा रहा है। अगर आप पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखो, आफ्टर ये जो सब्सटैंशियल गैप अप हुआ ऑन 29 मई लास्ट वीक, सेम मंडे को एक सब्सटैंशियल गैप अप हुआ था, उसके बाद अगर आप देखो लगभग कुछ नहीं किया है बाजार ने, एक छोटी सी रेंज में, कॉम्पैक्ट रेंज में जो है वो घूम रहा है। उससे पहले भी सेम चीज़ अपने को दिखाई दे रही थी, एक रेंज बाउंड ट्रेड यहाँ पे दिखाई दे रहा था, बट अब वो रेंज जो है वो और भी ज़्यादा छोटी जो है वो हो चुकी है। वीकेंड वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था, बहुत सारे लोग यार कमेंट फिर लिखते हैं, बट उनका जवाब देना मैं चाहता हूँ जवाब दूँ, बट फिर वही होता है, वीडियो का जो मेन क्रक्स होता है उससे हम भटक जाते हैं। देखो, अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि गैप अप पे अपने को बाय नहीं करना है, गैप अप पे हम लोग रेजिस्टेंस पे खुलेंगे, तो कुछ सोच समझ के कह रहा हूँ यार, वहाँ पे चार्ट पे कुछ मेरे को रेजिस्टेंस दिख रहा है। और वही चीज़ मैंने क्या किया, आज टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर किया सुबह। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोर देन 91,000 से ज़्यादा मेंबर्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें कोई भी मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह होते हैं, न्यूज़ वगैरह होती है, वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ आपको। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लेवल्स आज डिस्कशन किए थे, फॉर निफ्टी 18635660 वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, फ्रेश बाइंग मोमेंटम ओनली अबव दिस लेवल। ये मार्केट खुलने के 20 मिनट बाद ही मैंने आपको बोल दिया था कि इस लेवल के ऊपर अगर बाजार निकलता है तभी हम लोग बाय करने के बारे में सोचेंगे, अन्यथा हम लोग बाइंग को अवॉइड करेंगे। फॉर बैंक निफ्टी 44,250-325 वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया, फ्रेश बाइंग मोमेंटम विड इमर्ज अबव दिस लेवल ओनली। जिस लेवल के आगे मैं ओनली लिख देता हूँ ना, वो समझ लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। और बाद में मैंने पोल भी आप लोगों के लिए डाल दिया था लगभग, क्योंकि 2 घंटे हो गए थे कुछ भी नहीं हो रहा था मार्केट में, सो जस्ट एज अ फन मैंने एक पोल डाला था कि देखो यार, रेजिस्टेंस निकलता है उसके बाद ही जो है वो लॉन्ग ट्रेड लेना, भर भर के लॉन्ग लेना उसके बाद, बट जब तक रेजिस्टेंस नहीं निकलता है प्लीज़ लॉन्ग ट्रेड अवॉइड करना, क्योंकि जब तक रेजिस्टेंस नहीं निकलेगा वो थ्रस्ट नहीं मिलेगा। और स्पेशली जब इंडिया विक्स इतना 10-11 का हो रहा हो, जब तक इंडिया विक्स में कुछ बढ़त नहीं देखने को मिलेगी, ऑप्शन बायर के लिए इस मार्केट में पैसा कमाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये चीज़ आप नोट करके रख लीजिए। आपको निफ्टी में 20-25 पॉइंट भी अगर मिल रहे हैं तो खुशी खुशी ले लो भाई, क्योंकि इस बाज़ार में ऑप्शन बायर के लिए कुछ भी नहीं है, अगर आप मेरे से ऑनेस्टली पूछते हो तो। तो आज यूएस में क्या होने वाला है सबसे पहले वो देख लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग अपना कल का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। जनरली फिन निफ्टी की एक्सपायरी में थोड़ा बहुत एक सेलिंग प्रेशर सेकंड हाफ में हमें देखने को मिलता है ऑन बैंक्स, तो उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले यूएस मार्केट में अगर हम आज की बात करें, तो आज यूएस में जो डेटा आने वाले हैं वो पीएमआई डेटा आने वाले हैं, सर्विसेज पीएमआई डेटा आने वाला है, नॉन सर्विसेज पीएमआई डेटा आने वाला है। तो इस तरीके से हम लोगों को कुछ पीएमआई डेटा जो है आज के दिन देखने को मिलेंगे। बट ऑनेस्टली अगर आप मेरे से पूछो तो ये डेटा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होगा ना, इस डेटा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि बाज़ार किस तरीके से रिएक्ट करते हैं फ्राइडे के जॉब्स रिपोर्ट पर। क्योंकि फ्राइडे को तो बहुत अच्छी रैली आ गई, एक दिक्कत जो उस रैली में है, एक तो डॉलर इंडेक्स जो कि बढ़त दिखा रहा है,
उसकी वजह से आज रुपया जो है वो बहुत बुरी तरीके से गिरा है। लगभग अगर आप देखो तो 0.4% के आसपास जो है वो रुपीज में गिरावट आई है। दैट इज द रीजन जो सेकंड हाफ में बैंक्स में प्रॉफिट बुकिंग अपने को देखने को मिली, उस वजह से जो है वो प्रेशर आया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान में रखनी होगी इस मोमेंट पे कि यूएस में जो जॉब्स डेटा आया उसके बाद मार्केट ने तो उसे पॉजिटिवली रिएक्ट किया एक बार जो है वो एक जो नीजर रिएक्शन होता है उसके बाद, बट बॉन्ड यील्ड्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। मतलब 15 बेसिस पॉइंट 2 ईयर की बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है, 10 बेसिस पॉइंट लगभग 4 साल की बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है। तो ये जो बॉन्ड यील्ड्स में बढ़त आई है ये एक जो कॉन्ट्रा प्ले कर रहा है इस वक्त मार्केट के साथ, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। और इसी वजह से आप देख रहे हो सुबह से डाउ फ्यूचर्स तो पॉजिटिव है बट नैसडेक नेगेटिव है। और हमारे आईटी ने भी आज हायर लेवल से आई थिंक एक जो टॉप बनाया था उसके बाद लगातार सेलिंग देखने को मिली और एंड में भी थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिला, क्योंकि जब भी बॉन्ड यील्ड्स में एक राइज हमें देखने को मिलेगा ओवरऑल जो ग्रोथ सेक्टर वाले स्टॉक हैं वो बैकफुट पे आते हुए दिखाई देंगे और ओल्ड इकोनॉमी वाले जो है वो हायर लेवल्स पे जाते हुए दिखाई देंगे। हमारे लिए दिक्कत आज क्या हुई कि बॉन्ड यील्ड स्पाइक होने से आईटी का सपोर्ट अपने को नहीं मिला, प्लस जो रुपी वीक हुआ डॉलर इंडेक्स के हाई होने से उसकी वजह से बैंक्स का सपोर्ट एंड में गिरा, क्योंकि पूरे दिन बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे थे। स्पेशली एक्सिस बैंक ने आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया बट ओवरऑल एंड में गिरावट अपने को देखने को मिली एंड दैट इज द रीजन हम लोग आज ऊपर नहीं बढ़ पाए आफ्टर अ गुड गैप अप। तो अब कल के लिए किस तरीके से अपने को प्ले करना है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़, आज भी वही लेवल था, एक हफ्ते पहले भी वही लेवल था और आगे भी यही लेवल रहेगा। जब तक निफ्टी 18660 के ऊपर, 640 से लेकर मैं आपके लिए एक रेंज बना देता हूँ, 660 ये रेंज बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। जब तक आप इस रेंज के ऊपर नहीं निकलते हैं आप एग्रेसिव लॉन्ग नहीं कर सकते, वो थ्रस्ट आपको नहीं मिलेगा, वो शॉर्ट कवरिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि इट्स अ मैसिव लेवल। हम डेली चार्ट्स पे बार बार डिस्कशन कर चुके हैं, एक बड़ा रिवर्सल इस एरिया से आया था प्रीवियसली और प्राइस टेंड्स टू हैव अ मेमोरी, प्राइस की मेमोरी होती है और वो उसको रिस्पेक्ट देता है। तो ये चीज़ अपने को आज जो है वो देखने को मिल रही है पिछले काफ़ी टाइम से। तो जब तक 640 से 660 की रेंज नहीं निकालता है बाजार तब तक हम लोग एग्रेसिव लॉन्ग नहीं जाएंगे इस बाजार में, ये चीज़ अपना व्यू क्लियर है और पहले भी क्लियर था। मान लीजिए कल गैप अप ओपन हो जाता है 680 670 के आसपास, तो मैं क्या वेट करूंगा? क्या बाजार इस लेवल पे आके कुछ इस तरीके का सपोर्ट ले रहा है क्या, इस तरीके का बुलिश पिन बार पैटर्न बना रहा है क्या, कोई पिन बार पैटर्न बना रहा है क्या, एंड देन उस पिन बार के लो का मैं एसएल लगा के इस एरिया पे बाय करूंगा, या फिर इस हाई को ब्रेक करेगा जो ओपन इज इक्वल टू हाई होगा या ओपन हाई जो होगा उसको ब्रेक करेगा, देन मैं यहां पे जो है वो लॉन्ग ट्रेड के लिए इनिशिएशन करूंगा। अब लॉन्ग का तो अपने को पता चल गया, शॉर्ट कहां पे करना है। तो शॉर्ट की अगर आप बात देखो यहां पे तो एक क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है जिसके जिसको बाजार ने बहुत दिन तक जो है वो रेजिस्ट किया था। अगर आप देखो लास्ट वीक हम जब वेडनेसडे को गैप डाउन हुए थे 18580 एक बहुत क्रिटिकल लेवल था। तो कल के दिन अगर 18580 के नीचे बाजार ये ड्रिफ्ट कर जाता है तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं बहुत आराम से फॉर द टारगेट्स ऑफ 18470 के लिए। 18470 480 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अब तक बाजार इसको होल्ड करते हुए आ रहा है, बट अगर इस बार ये 580 के नीचे ड्रिफ्ट करता है और 200 मूविंग एवरेज जो 516 520 के आसपास आपको मिलेगी इसको ब्रीच करता है, देन हम लोगों को 480 के नीचे के लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे। बट वो लेवल्स अभी वीडियो में डिस्कस करना प्री मेच्योर होगा, उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना यार, मैं आपको सारे अपडेट्स वगैरह लेवल्स वगैरह यहीं पर प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा निफ्टी का प्लान हो गया। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए क्या ब्यूटीफुली रेंज को रिस्पेक्ट दे रहा है बैंक निफ्टी। अब बहुत सारे लोगों को दिक्कत है क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत कॉम्पैक्ट रेंज में चल रहा है और ऑनेस्टली मेरे को भी दिक्कत है क्योंकि हम लोग बड़े स्कैल्प्स नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। बट रेंजेस को जिस तरीके से ब्यूटीफुली प्ले कर रहा है 250 से लेकर 325 स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, ये एक बड़ा सपोर्ट बना था, यहाँ से मार्केट ने बाउंस दिया था, देन उसके बाद कंटिन्यूसली ये रेजिस्टेंस बना हुआ था, ठीक है। अब अगर आप देखो तो एंड में बाजार ने एक सपोर्ट कहाँ पे लिया, अराउंड 44,050-60 के आसपास। तो फ्रेश ब्रेकडाउन अपने को कहाँ मिलेगा? अगर 44,050 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम लोगों को एक डाउनसाइड का ट्रेंड देखने को मिलेगा फॉर द टारगेट्स ऑफ 43,830 और 43,830 के नीचे हम लोगों को 43,700 और उसके बाद 43,500
400 तक की जगह दिखाई दे रही है। एक अच्छा खासा कट हमें बैंक्स में आ सकता है। लॉन्ग कहाँ पे करेंगे? अगर हमें 44,250 के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है, देन हम लोग लॉन्ग करेंगे फॉर द टारगेट्स ऑफ 44,500 के लिए, जिसके ऊपर अपने को फोकस करके चलना है। पुट कॉल रेशियो की अगर मैं बात करता हूँ, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.82 है, डिसेंट है, न्यूट्रल है। बैंक निफ्टी का भी 0.83 है, न्यूट्रल पुट कॉल रेशियो है। तो ना पुट राइटर्स हावी हैं इस वक्त, ना कॉल राइटर्स हावी हैं, दोनों ने बैलेंस बना के रखा हुआ है और प्रीमियम मीटिंग दोनों तरफ से जारी जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। देखिए फाइनेंशियल्स में आज थोड़ी वीकनेस आई, स्पेशली जो क्लोजिंग थी, हम लोगों ने जो प्लान किया था मंडे के लिए, हम लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा था, 19,470 का। इसके ऊपर बाजार जो है एक बार के लिए निकला, फर्स्ट कैंडल में निकल गया 15 मिनट में, एंड देन पूरे दिन इसके ऊपर सस्टेन करा। बट सप्लाई कहाँ से आई? ये जो ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल बनी हुई है ना, इस एरिया से सप्लाई आती हुई दिखाई दी और पूरे दिन ये 500-520 की रेंज को निकाल नहीं पाया। देन एंड में जो सपोर्ट बनाया था सुबह के टाइम में, या प्रीवियसली जो सपोर्ट की तरह जो है वो जो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था लेवल, वो अब सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था आज के दिन, बट वो एंड में ब्रीच हुआ और एंड में 200 ईएमए के आसपास जाके मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। अब ध्यान से सुनिएगा, फाइनेंशियल निफ्टी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक इंपॉर्टेंट लेवल जो अपने को ध्यान में रखना है, दैट इज 19,380। ये लेवल हमने कल भी डिस्कशन किया था, ये लेवल हम आज भी डिस्कशन कर रहे हैं। अगर कल फाइनेंशियल निफ्टी 19,380 के नीचे जो है वो जाके बंद होता है, या इसके नीचे 15 मिनट कैंडल आपको क्लोज मिलती है, देन आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। बहुत आराम से आपको 19,290 के टारगेट जो है वो देखने को मिल जाएंगे फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर। और इसके बाद के लेवल्स, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, इतने बड़े लेवल्स को डिस्कस करना प्रीमेच्योर होता है, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी फिर उस हिसाब से ख़राब हो जाती है। अब मैं बोल दूं यार कल अगर 18,800 कट गया तो 19,000 आ जाएगा, तो लोग क्या करते हैं, साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है, 19,000 की कॉल लेके बैठ जाएंगे, जीरो हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, उन लोग का लॉस हो सकता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ बड़े लेवल्स को डिस्कस करना, इंट्राडे के लेवल्स प्ले करेंगे। बाकी अगर लेवल्स टूटते हैं, क्रैकडाउन होते हैं बड़े लेवल्स पे, तो वो मैं टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।